नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस कोरोना काल में इंसानियत की कई मिसाल हमने देखी है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ हैवान हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। दरअसल दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में एक जेबा मस्जिद है, जिस मस्जिद के बाहर 30 मई को कई लोग इकट्ठा हुए और 12 साल की नाबालिग के लिए न्याय की मांग करते रहे और आरोप ये लगाए कि एक मौलाना ने नाबालिग बच्ची से मस्जिद के अंदर दुष्कर्म किया। अब आरोपी मौलाना को गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा मामला विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल 30 मई को हंगामे के बाद हर्ष विहार थाने की टीम मस्जिद पहुंची। पूछताछ करने पर पता चला कि इलाके के लोग आरोपी मौलाना का नाम नहीं जानते, ना ही किसी के पास मौलाना की तस्वीर थी। ऐसे में पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। फुटेज से आरोपी की फोटो निकलकर सामने आ गई। पुलिस ने अपने मुखबिरों को अलर्ट किया। थोड़ी ही देर में आरोपी मौलाना की लोकेशन के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने गाजियाबाद के लोनी इलाके के दरबार मोहल्ला जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी मौलाना का नाम इलियास है और वो राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है। आरोपी लोनी में किराए के मकान पर रहता है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी इलियास की उम्र 48 साल है और वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। आरोपी कई मस्जिदों में इमाम का काम करता है। वो शादीशुदा है, 4 बच्चों का बाप है। उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर आईपीसी की धारा 376 यानी कि रेप और पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल करवा दिया है। वहीं दिल्ली महिला आयोग की एक टीम ने पीड़िता की काउंसलिंग भी की है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक? कभी आसिफा तो कभी कोई और। क्यों इन मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत की जाती है? कथित तौर पर मंदिर में आसिफा के साथ दुष्कर्म किया गया, फिर मार दिया गया और अब मदरसे में यह कृत्य किया गया। आखिर कब तक?